गुड मॉर्निंग जी। तो सीएसएस वर्ड रैप प्रॉपर्टी देखिए आपके पास क्या होती है। सीएसएस वर्ड रैप प्रॉपर्टी इज यूज टू ब्रेक द लॉन्ग वर्ड्स। अगर आप एक बड़े वर्ड्स को आप ब्रेक करना चाहते हैं एंड रैप ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, और उसको आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर रैप करना चाहते हैं, देन हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू प्रिवेंट ओवरफ्लो व्हेन एन अनब्रेकेबल स्ट्रिंग इज टू लॉन्ग टू फिट इन द कंटेनिंग बॉक्स। तो अगर मान लीजिए आपने काफी एक बड़ा वर्ड लिखा हुआ है और आप जो है स्क्रीन के ऊपर आप लिखे जा रहे हैं, जैसे मैं आपको नोटपैड के ऊपर मैं इसमें आपको बताता हूं। हम यहां से अपना इसके अंदर नोटपैड ओपन कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग जी रुचि, गुड मॉर्निंग। तो मैं यहां से अब अपना इसमें नोटपैड ओपन करूंगा। तो अभी देखिए इसके अंदर हम मैं यहाँ पे कुछ भी लगातार लिखा जा रहा हूँ ऐसे स्क्रीन पर मैं लिखा, वो तो आगे आपके पास देखिए आगे चलता जा रहा है। मुझे इसको नेक्स्ट लाइन में रैप करना है, तो देखिए इसमें नोटपैड में फॉर्मेट के ऊपर एक ऑप्शन होती है, यहाँ पे वर्ड रैप की ऑप्शन होती है। तो मैं जैसे यहाँ से वर्ड रैप पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी हमने वर्ड रैप की प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है, ठीक है। तो हम सीएसएस वर्ड रैप प्रॉपर्टी अब हम पढ़ेंगे। तो सीएसएस वर्ड रैप प्रॉपर्टी इज यूज टू ब्रेक द लॉन्ग वर्ड्स। आप लॉन्ग वर्ड को ब्रेक करना चाहते हो और उसे नेक्स्ट लाइन में रैप करना चाहते हो, तो इसलिए हम ये वर्ड रैप प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे तो वो आप देखिएगा। इसमें मैं यहां से नोटपैड ओपन कर रहा हूं, HTML टाइटल वर्किंग विद सीएसएस वर्ड रैप प्रॉपर्टी। स्टाइल टैग हम यूज करेंगे, स्टाइल टैग को मैंने क्लोज कर दिया और हेड टैग को भी मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। स्टाइल के अंदर मैं यहां पे क्या काम करता हूं, पी ले लिया पैराग्राफ के लिए, डॉट इज ए क्लास सेलेक्टर, टेस्ट कुछ भी यहां पे आप नाम दे सकते हो। यहां पे आपने इसके अंदर विड्थ ले ली, और विड्थ जो है वो मैंने इसमें दे दी 11 EM। EM भी एक यूनिट होता है आपके पास, जैसे पिक्सल हो गया, PX हो गया, इंचेस हो गया, तो EM भी इम्फेरिकल यूनिट एक यूनिट होता है, इम्फेरिकल यूनिट। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे ले लो, बैकग्राउंड कलर आपने यहाँ पे ले लिया -00, ये कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। बॉर्डर आपने यहां पे ले लो इसका 1 पिक्सल सॉलिड। पैडिंग आप दे दो इसके अंदर, पैडिंग आपने दे दी 10 पिक्सल। और मैं यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं वर्ड रैप, मैं यहाँ पे वर्ड रैप यूज कर रहा हूँ। मैं चलो इसको मैं बाद में यूज करके आपको दिखाऊंगा कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग को बंद किया, हेड टैग को बंद किया। मैं यहाँ से बॉडी को मैं स्टार्ट करता हूँ, पी पैराग्राफ क्लास बराबर हमने क्लास का नाम क्या लिया हुआ, टेस्ट। इसमें मैं कुछ भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके अंदर आई एम सो। तो मैं थोड़ा सा ये काफी एक लंबा सा वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें।
यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को पैराग्राफ को मैं क्लोज कर देता हूँ और अब मैं बॉडी को क्लोज करता हूँ, एचटीएमएल को क्लोज करता हूँ। ये हमने एक वर्ड रैप की कोडिंग की है हमने यहाँ पे। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, फाइल पे आप जाओगे, सेव पे क्लिक करो। कहाँ पे आपने इसको सेव करना है, डेस्कटॉप पे रख लो आप इसको। डेस्कटॉप पे आपने इसको सेव कर दिया, सीएसएस वर्ड रैप डॉट एचटीएम। और अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। इसको मैं बंद कर रहा हूं एक मिनट। यहां से स्टूडेंट आपने क्या काम करने हैं इसमें, 2 मिनट रखिएगा। डेस्कटॉप के ऊपर हमने इसमें अब जाना है।
तो अब देखिए इस प्रोग्राम को हम रन कैसे करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड रैप का प्रोग्राम बना हुआ है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखिए अभी आपके पास ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। तो इसमें आप ये देख रहे जो आई एम सो लॉन्ग वाली ये वर्ड लाइन है ये बाहर निकली हुई है। अब मुझे इस लाइन को वर्ड रैप करना है, तो देखिए वर्ड रैप किस तरीके से करोगे। यहाँ पे आप यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वर्ड रैप, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसमें ब्रेक वर्ड। अब जैसे मैं ब्रेक वर्ड यहाँ पे लिख देता हूं, तो जब आप इसको चेक करोगे दोबारा से आप, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं यहां से, तो ये देखिए वो सारा का सारा एक ही पैराग्राफ के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो ये होता है आपके पास वर्ड रैप प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या काम किया, टाइटल हमने लिया पी, पैराग्राफ के लिए हमने यूज किया डॉट इज ए क्लास सेलेक्टर, और यहाँ पे हमने इसकी विड्थ दे दी 11 em, बैकग्राउंड कलर आपने यहाँ पे ये दे दिया जो इसका स्काई ब्लू कलर आ रहा है, बॉर्डर आपने दे दिया 1 pixel सॉलिड, ठीक है, पैडिंग आपने दे दिया यहाँ पे 10 pixel, वर्ड रैप दे दिया आपने ब्रेक वर्ड। तो जो ये यहाँ पे आपने लंबा वर्ड लिखा था ये उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। क्लियर हुई स्टूडेंट वाली प्रॉपर्टी आपको सीएसएस वर्ड रैप प्रॉपर्टी, ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुई प्रॉपर्टी। ओके जी, अब हम इसके आगे जो चलेंगे अगली प्रॉपर्टी अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर फॉन्ट प्रॉपर्टी। तो अब हम यहां से फॉन्ट प्रॉपर्टी को हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें तो हमारे पास यहाँ पे आएगी इसमें फॉन्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए इसके अंदर हम स्टूडेंट्स फॉन्ट प्रॉपर्टी हम किस लिए यूज करते हैं, सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी। सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी इज यूज टू कंट्रोल द लुक ऑफ टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट के लुक को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके लिए हम फॉन्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। बाय द यूज ऑफ सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी वी कैन चेंज द टेक्स्ट साइज। इसकी हेल्प से हम टेक्स्ट का साइज, कलर, स्टाइल ये सब चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से फॉन्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके पास, देखिए सबसे पहला आपके पास होगा फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का काम क्या होता है, चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो हम फॉन्ट कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फिर आपके पास आता है फॉन्ट फैमिली, अगर हमें फॉन्ट का फेस चेंज करना है तो हम फॉन्ट फैमिली को हम यूज करेंगे। फिर आपके पास आता है कि अगर आपको फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और अगर हमें फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ऑब्लिक करना है तो हम फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। स्मॉल कैप इफेक्ट देना है तो उसके लिए हम फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और अगर हमें फॉन्ट की बोल्डनेस को बढ़ाना और कम करना है तो हम क्या काम करेंगे, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉन्ट कलर प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको कलर देना 3 तरीकों से बताया था, बाय ए कलर नेम, आप कलर का नाम देके भी आप कर सकते हो फॉन्ट कलर सेट, हेक्साडेसिमल वैल्यू की हेल्प से भी आप सेट कर सकते हो, आरजीबी की हेल्प से कर सकते हो। आरजीबी का मतलब आपके पास क्या होगा, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो देखिए अब किस तरीके से हम इसमें सेट करेंगे, यहाँ पे जैसे आपके पास इस प्रोग्राम को भी हम जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो ज्यादा आपके पास क्लियर होगा। मैं अपना यहाँ से नोटपैड ओपन करता हूँ और अब मैं आपको फॉन्ट कलर को इसमें अप्लाई करके इसमें मैं बताऊंगा। इसमें तो यहाँ पे देखो आपने HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल वर्किंग विद CSS फॉन्ट प्रॉपर्टी, इस
स्टाइल हमने ले लिया है यहाँ पे, तो अब स्टाइल हम यहाँ पे जैसे क्या ले लेते हैं, मान लो मैंने इसमें स्टाइल क्या दे दिया यहाँ पे, बॉडी, फॉन्ट साइज मैंने कितना दे दिया इसके अंदर 100%, और यहां पे मैं इसमें हेडिंग वन का कलर में सेट कर लेता हूं। मान लीजिए मुझे हेडिंग वन का कलर जो यहाँ पे देना है वो मैंने रेड दे दिया, हेडिंग टू का मुझे कलर देना है, मैं सिंपली कलर ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे मैंने रेड कलर लिखा हुआ है, नहीं तो मैं कलर इस तरीके से भी दे सकता हूँ। यहाँ पे कलर मैंने यहाँ पे दे दिया हैश E1, ठीक है। ये भी कलर आप ऐसे, ये कलर के हेक्साडेसिमल वैल्यू आप ऐसे कलर दे सकते हो। पैराग्राफ में अगर आपने कलर लगाना है तो देखो आप किस तरीके से कलर लगा सकते हो यहाँ पे, जैसे आपने लिख दिया RGB 0.98, इस तरीके से भी आप कलर दे सकते हो, ठीक है। रेड की वैल्यू मैंने दे दी 0 यहाँ पे, ग्रीन की वैल्यू मैंने दे दी 220 और बी की वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे 98। तो एक कलर कॉम्बिनेशन आपके पास बन जाएगा। इसमें आपने स्टाइल टैग को क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज किया और आपने यहाँ से बॉडी को स्टार्ट किया। अब बॉडी में हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे आपने लिख दिया हेडिंग वन में, दिस इज हेडिंग वन, फिर हेडिंग टू दे दिया, दिस इज हेडिंग टू, फिर हेडिंग पी, पैराग्राफ के लिए पी दे दिया हमने, दिस इज ए पैराग्राफ। अब इस प्रोग्राम को हम अप्लाई करते हैं। फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक करो, यहां पे आप जाओगे इसमें CSS font1.htm। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं यहां पे, तो ये देखिए यहां पे आपका हेडिंग वन का कलर चेंज हो गया, हेडिंग टू का आपके पास कलर चेंज हो गया। यहां पे हेडिंग वन में आपने कलर देखो क्या दे रखा था, यहाँ पे रेड दे रखा था तो ये रेड कलर आ गया। हेडिंग टू पे आपने कलर क्या दे रखा था, कलर की देखो ये वैल्यू दे रखी थी, पर्पल कलर आपके पास आ गया। और यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे RGB कलर ये दे रखा था तो यहाँ पे आपके पास ये वाला कलर आ गया। तो ये इस तरीके से हम फॉन्ट का जो है कलर दे सकते हैं। अब ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास आती है इसके अंदर फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली किस तरीके से, देखिए आपके पास ये तो मैंने आपको कलर के बारे में बताया, अब फॉन्ट फैमिली में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग आप फैमिली जो इसमें आप दे सकते हो कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट फैमिली में दे देता हूँ, जहां पे मैंने पैराग्राफ लगाया है ना, मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, देखिए नोटपैड को मैं ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ फॉन्ट फैमिली में लगा देता हूँ, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली। अब ये फॉन्ट फैमिली कौन कौन सी होती है, देखिए आप यहाँ पे फॉर्मेट में आप जाओगे, यहाँ पे आप देखो फॉन्ट के अंदर जाओगे, यहाँ पे ये फॉन्ट फैमिली दे रखी होती है, जैसे देखो कॉन्स्टेंडिया हो गया, कॉर्बल हो गया, कॉर्बल में ऐसा स्टाइल आएगा, कुरियर में ऐसा स्टाइल आएगा। तो जैसे मान लो मैं इसका कुरियर ले लेता हूँ, CURIER, तो यहाँ पे मैं यही लिख देता हूँ CURIER, ताकि आपको इसका डिफरेंस पता लगे। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करवाता हूँ अगेन यहाँ से, जैसे मैं इसको देखो रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये आपके पास कुरियर स्टाइल के अंदर आ गया आपके पास, ठीक है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे स्टाइल और दूसरा चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट में जाओ, यहाँ से आप स्टाइल देख लो इसके अंदर और कौन कौन से स्टाइल हैं, कुरियर न्यू है तो इस तरीके से आएगा आपके पास, एब्रीमा में ऐसे आपके पास स्टाइल आ जाएगा। मान लो मैं एब्रीमा एब्रीमा स्टाइल में ले लेता हूं, तो मैं यहाँ पे एब्रीमा लिख देता हूँ इसके अंदर, सेव किया, इस पे मैं इधर जाता हूँ यहां से रिफ्रेश करता हूँ तो एब्रीमा में देखो ऐसा स्टाइल आएगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या होता है, ये फॉन्ट फैमिली होता है। फॉन्ट फैमिली के बाद इसके अंदर हमारे पास अब आगे जो इसमें स्टाइल आएगा, फॉन्ट साइज आएगा आपके पास, कि हम फॉन्ट के साइज को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप फॉन्ट का साइज देखो इंक्रीज करना चाहो तो यहाँ पे देखो इसमें बता रखा है कि फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए आपके पास अलग अलग स्टाइल होते हैं, जैसे XXS हो गया,
ठीक है, यूज टू डिस्प्ले द एक्सट्रीमली स्मॉल, अगर बहुत ही आपको छोटा टेक्स्ट का साइज दिखाना है तो डबल एक्स स्मॉल यूज करोगे, एक्स स्मॉल क्या होगा उससे, यूज टू डिस्प्ले द एक्स्ट्रा स्मॉल टेक्स्ट साइज, स्मॉल क्या होगा अगर स्मॉल में दिखाना चाहते हो आपके पास, मीडियम में दिखाना चाहते हो, लार्ज अगर आप साइज टेक्स्ट का दिखाना चाहते हो, एक्स लार्ज डबल एक्स लार्ज और आपके पास साइज बड़ा हो जाएगा, स्मॉलर लार्ज देन, आप पिक्सल में भी आप जो है साइज, पिक्सल में भी आप साइज यहाँ पे आप क्या कह सकते हो इसमें आप दे सकते हो, ठीक है। तो इसको भी हम करके देखते हैं कि फॉन्ट का साइज हम किस तरीके से हम बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो मैं यहां से अपना नोटपैड वाला प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ, इसमें नोटपैड में मैं जाता हूँ। तो अब मालूम मुझे पैराग्राफ का साइज बड़ा करना है, अभी हमारे पास पैराग्राफ का साइज जो है इतना दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है, दिस इज ए पैराग्राफ, मुझे इसका साइज बड़ा करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए अब क्या लिखूंगा इसमें, किस तरीके से आप इसको साइज को दिखाओगे, आप यहाँ पे लिखोगे फॉन्ट साइज, जैसे आपने लग दिया डबल एक्स स्मॉल, आपने इतना लिख दिया, मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया, यहाँ से कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हो आप, यहाँ से रन पे जाओ, रिफ्रेश करो इसको, तो देखो साइज कितना आपके पास यहाँ पे छोटा हो जाएगा। अगर आप इसका साइज और बड़ा करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डबल एक्स लार्ज लिखोगे, जब आप फॉन्ट का साइज डबल एक्स लार्ज दोगे तो उतना ही साइज आपके पास क्या होगा, ये साइज बढ़ जाएगा, ये देखिए डबल एक्स लार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे मीडियम साइज दे सकते हो, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, मीडियम लिख दिया, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ मैं यहाँ से प्रोग्राम के ऊपर, मैं यहाँ पे जाऊंगा रिफ्रेश करूंगा, तो मीडियम में देखो इस तरीके से आपके पास साइज आएगा, आप ऐसे ही यहाँ पे लार्जर लिख सकते हो, जैसे आप लार्जर साइज दे देते हो तो ये देखो यहाँ पे साइज लार्जर बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप हेडिंग के अंदर भी आप साइज को इंक्रीमेंट कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट आपको ये सब, फॉन्ट का साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, क्लियर हो रहा है आपको, मुझे चैट के हेल्प से आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास हम फॉन्ट स्टाइल देंगे हम इसके अंदर, तो फॉन्ट स्टाइल आप किस तरीके से दोगे आप इसमें, यहां से हम जाएंगे कि फॉन्ट स्टाइल कैसे होता है आपके पास, तो सीएसएस फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी डिफाइंस, ओके जी क्लियर है, गुड गुड जी गुड। अब फॉन्ट स्टाइल हम देखो किस तरीके से यूज करेंगे, सीएसएस फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी डिफाइंस व्हाट टाइप ऑफ फॉन्ट यू वांट टू डिस्प्ले, कि आप अपने फॉन्ट को कैसा आप डिस्प्ले दिखाना चाहते हो, ये जो आपके पास ये थ्री टाइप का ही हो सकता है आपके पास, एक तो इटैलिक होगा, ऑब्लिक होगा और नॉर्मल होगा, और एग्जाम के अंदर ना ये क्वेश्चन आपके पास एक नंबर के अंदर पूछा भी जाता है कि कौन कौन से आपके पास फॉन्ट स्टाइल होते हैं, तो पहला होगा इटैलिक अगर आप तिरछा दिखाना चाहते हो, ऑब्लिक भी इसी की तरीके से मिलता जुलता है, अगर आप इसको स्ट्रेट रखना चाहते हो तो आप उसके लिए नॉर्मल यूज करोगे। तो देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम बना हुआ है HTML, हेड आपने यहाँ पे स्टाइल लिया, बॉडी में आपने फॉन्ट का साइज आपने यहाँ पे 100% सेट कर दिया, हेडिंग टू में आपने इटैलिक दे दिया, हेडिंग थ्री में आपने यहाँ पे ऑब्लिक दिया, और हेडिंग फोर में आपने यहाँ पे नॉर्मल दे दिया। तो जब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूंगा तो आपको जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगी। तो ये देखिए ये आपका जो स्टाइल है स्टूडेंट, ये आपका इटैलिक स्टाइल में शो कर रहा है आपको, ये आपको यहाँ पे ऑब्लिक में शो कर रहा है, और ये आपको नॉर्मल में शो कर रहा है। ये अभी हमने इसको मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मैं आपको वो लगा के मैं बताता हूँ। इसको नोटपैड के ऊपर आप आ जाओ, मैं पैराग्राफ के ऊपर इसको अप्लाई कर रहा हूँ यहीं पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इसके अंदर, फॉन्ट स्टाइल मैं यहाँ पे ऑब्लिक कर देता हूँ, इसको ऑब्लिक आपने यहाँ पे किया, कंट्रोल एस इसको सेव कर दो। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ऑब्लिक में आपके पास ये इस तरीके से जो है आपके पास तिरछे स्टाइल के अंदर आएगा आपके पास, और अगर आप यहाँ से ऑब्लिक के अलावा उसमें आप जो स्टाइल लगाते हो आप इटैलिक भी लगा सकते हो, तो इटैलिक में भी आपको सेम इसी तरीके से नजर आएगा, सेव करो। और अब आप इसको रन करवाते हो तो इटैलिक में भी देखो आपको ऐसे ही नजर आएगा, बट अगर मैं यहाँ पे इसका स्टाइल नॉर्मल दे देता हूँ तो नॉर्मल में ये पहले की तरह बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट आएगा। तो मैंने भी यहाँ पे स्टाइल नॉर्मल दे दिया तो नॉर्मल में देखिए पहले की तरह अब आपके पास स्ट्रेट आ रहा है। तो ये आपके पास होता है स्टूडेंट फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, बहुत इजी है। अब आपके पास आता है फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेरिएंट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने मान लीजिए टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसको जो है कैपिटल लेटर्स में दिखाना चाहते हो बट छोटे अक्षरों में दिखाना चाहते हो,
तो उसके लिए हम फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने बता भी रखा है, मैं आपको एनोटेशन के माध्यम से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। HTML हेड पैराग्राफ ले लिया आपने, यहाँ पे क्या लिखा, फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स, ठीक है। नीचे मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। अब ये जो मैंने यहाँ पे हेडिंग 3 में लिखा है, दिस हेडिंग इज शोन इन नॉर्मल फॉन्ट, ये तो नॉर्मली दिखाएगा और ये स्मॉल फॉन्ट में दिखाएगा। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट, डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल में तो आपको ऐसे का ऐसे दिखा रहा है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे स्मॉल फॉन्ट में लिखा हुआ है, आपके पास यहाँ पे कैपिटल लेटर के अंदर क्या कर रहा है आपको देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये होता है आपके पास फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी। तो एक बार इसको भी हम प्रैक्टिकली यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फॉन्ट वेरिएंट, मैं एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको ये सारे स्टाइल अप्लाई करके बता रहा हूँ। फॉन्ट वेरिएंट आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसके अंदर स्मॉल कैप्स। तो मैंने यहाँ पे इसमें स्मॉल कैप्स दे दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब जब आप इस प्रोग्राम के आउटपुट को आप देखोगे तो आपके पास रिजल्ट देखिए कैसे आएगा। मैं यहां से इसको रिफ्रेश करता हूं, तो ये जो दिस इज ए पैराग्राफ लिखा हुआ है वो देखिए आपके पास ये कैपिटल लेटर में आ गया, ठीक है। तो ये क्यों आया कैपिटल लेटर में, क्योंकि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे इसमें मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स, ठीक है। और अगर मैं इसको नॉर्मल कर देता हूं, मैं पहले की तरह इसको यहां से नॉर्मल कर देता हूँ स्टूडेंट, तो अब आपके पास क्या होगा, ये वैसे का वैसे ही आपको स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ नजर आएगा। क्लियर हुआ इतना? अंजू, अंकिता, अनु, दिव्या, रितिका, विशाल, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ सारा का सारा? फॉन्ट प्रॉपर्टी समझ में आ रही है सभी को? हर एक स्टूडेंट बताइए मुझे प्लीज। अब इसी में देखो आपके पास थोड़ा सा हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, फॉन्ट से रिलेटेड हमने एक काम और करना है, फॉन्ट वेट। अब फॉन्ट वेट क्या होता है, गुड, ओके। फॉन्ट वेट क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मुझे फॉन्ट अपना ना बोल्ड करना है, देखो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं इसको कि मुझे बोल्ड करना है, ठीक है। मुझे इसको बोल्डर दिखाना है, मुझे इसको लाइटर में दिखाना है। 100 फॉन्ट वेट 100 दे दिया, 200 साइज दे दिया। तो फॉन्ट वेट हम इसलिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं, CSS फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी डिफाइंस द वेट ऑफ द फॉन्ट। अगर मुझे फॉन्ट का वेट चेंज करना है एंड स्पेसिफाई दैट हाउ बोल्ड ए फॉन्ट इज, कि आप फॉन्ट को कितना आप दिखाना चाहते हो बोल्ड। तो पॉसिबल वैल्यूज जो इसकी होती है आपके पास, वो नॉर्मल होती है, बोल्ड होती है, बोल्डर होती है, लाइटर होती है, ठीक है। ये इसकी आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं सारी, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे 100 से लेके यहाँ पे ये मैंने 500, 600, 700, 800, 900 ऐसे यहाँ पे मैंने स्टाइल लिखा हुआ है, ठीक है। आप स्टाइल टैग का यूज करके भी आप कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको ये इनलाइन स्टाइल आपको जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो मैंने आपको इनलाइन स्टाइल के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसको भी देखो मैं अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ से प्रैक्टिकल प्रोग्राम के अंदर आ जाओ आप यहाँ पे, तो हम किस तरीके से देखो फॉन्ट वेट हम बोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैं इसी में जो है क्या कहते हैं पैराग्राफ में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, फॉन्ट वेट मैंने यहाँ पे मैंने कर दिया बोल्ड। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और अब आप इसको रन करवा के आप देखोगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो देखिए आपके पास बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट आपका बोल्ड हो गया। अब आप यहाँ पे बोल्ड भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे बोल्डर भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लाइटर कर देते हो तो लाइटर से थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर LIGHTER कर दिया, तो ये लाइटर से थोड़ा सा आपके पास ऐसे हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फ्रेंड जो प्रॉपर्टी होती है, ये आपके पास फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी आपके पास होती है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये आउटपुट में देखिए बोल्ड में सिंपली बोल्ड में ऐसा आ रहा है, बोल्डर में देखिए इस तरीके से थोड़ा सा और डार्क आ रहा है, लाइटर में हल्का आ रहा है, 100 वेट में आपके पास ऐसे शो कर रहा है यहाँ पे, 200 वेट में ऐसे, 300 वेट में ऐसे, 400 वेट में इस तरीके से,
तो ये अलग अलग आपके पास प्रॉपर्टी होती है। तो इस सीएसएस के लेक्चर में स्टूडेंट आज हम अभी हम इसमें इतना ही हम डिस्कस करेंगे। मेरी अगली जो जावास्क्रिप्ट की क्लास होगी वो मैं 10:30 बजे लूंगा, तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज अब 10:30 बजे आप क्लास के लिए आ जाइएगा 10:30 बजे, ठीक है। बाकी सीएसएस के अंदर हम कल फिर जो है आगे इसमें 9:15 बजे हम फिर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जब मुझे स्टूडेंट प्लीज कमेंट करके आप एक बार बता दीजिए कि आपको ये फॉन्ट प्रॉपर्टी और जो मैंने इससे पहले वर्ड रैप प्रॉपर्टी कवर करवाई थी वो आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप कल की क्लास में आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो आप इसके बारे में। यस सर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। कल 9:15 बजे फिर मैं जो है इसमें सीएसएस में मैं आगे आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा और 10:30 बजे आज हम अभी जावास्क्रिप्ट में हम आगे काम करेंगे, ठीक है। तो मैं ये लेक्चर यहाँ पे मैं यही फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय स्टूडेंट्स। 10:30 बजे मिलते हैं इसमें, ठीक है।